को गिरा रही हो। ये एक तरफ जो है ना दोनों बहन भाइयों पे जुलम हो रहा है, एक तरफ भाई ने नाना पे प्रेशर डाला हुआ है, परीक्षा ने अम्मी पे प्रेशर डाला। हेलो एवरीवन, हेलो शेजी बहन से बात कर रही। चलो भाई खाना शाना लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। भाई जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मैंने इस बार जो है कोई गाय और बकरों का और लेने का और लाने का कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है सुन्नत इब्राहिम है, और कुछ चीज़ें मैंने समझी हैं जो मैं चाहूँगी मेरे बाकी सब्सक्राइबर्स भी समझें कि आजकल जो हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशन चल गया है ना, लिटरली मैंने खुद भी जब चांद रात थी खुद देखी है कि गायें भाग रही हैं, उनको पागलों की तरह भगाया जा रहा है और वहाँ पे आतिशबाजी की जा रही है। क्या ये सुन्नत है? और वो सब बड़े बड़े लड़के हैं, आई मीन मिच्योर लड़के हैं, अगर बच्चे ये हरकत करे ना तो समझ आता है। और बच्चे रो रहे हैं अपनी कुर्बानी के लिए, रो रहे हैं कि वो कट रही है तो बच्चे रो रहे हैं, और हमारे जो बड़े हैं वो ये हरकतें कर रहे। तो ये देखकर मुझे बिल्कुल अजीब सा लगा कि यार ये कर क्या रहे हैं। मैटर भले उन सबका अपना है, सबने अपना जवाब देना है, मगर समझाना का काम है, ठीक है जी। तो प्लान मेरा ये है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, अभी कुर्बानी वगैरह होगी हमारी छत पर ही होगी, पर नेक्स्ट ईयर मेरा प्लान है हमारे नेबर्स में यानी कि हमारी बिल्डिंग में बहुत ही करीब एक ऐसे शख्स हैं जो बहुत अच्छा बहुत अच्छी कुर्बानी करते हैं, पर कोई दिखावा नहीं है उनका, किसी को नहीं दिखाते, गेट लॉक होता है, पर पर्सनली हाँ इनको वो परिचय को अच्छी तरीके से जानते हैं तो हम वहाँ जाते हैं। तो मेरा ड्रीम है गाइज इस बकरा ईद से लेके अगले बकरा ईद तक। सो गाइज ये बिलाल का और मेरा ड्रीम है, और आप सब हमारे लिए दुआ करना कि नेक्स्ट ईयर जैसे वो कुर्बानी करते हैं ना, और वो टोटली अल्लाह की राह में करते हैं, और वो टोटली लोगों को बुला कर दे देते हैं, मतलब दिखावा कुछ नहीं है, कोई वीडियोस नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो ये मेरा और बिलाल का ड्रीम है जो हम इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से नेक्स्ट ईयर पूरा करूँगी। मतलब अगर वो चाहें वो गेट खोल दें, वो लाइटों में दिखावा करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो मेरे लिए बहुत 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 इम्प्रेसिव है, बहुत ज़्यादा। सो गाइस अपना ब्लॉग आज का हम स्टार्ट करेंगे, और जो हाइन ने मुझे खास तौर पे मम्मा जो हमारे बकरे वगैरह जो भी कट होंगे वो हम लोग नहीं दिखाएंगे ब्लॉग में, क्योंकि ब्लड होता है और ये होता है, बच्चे देखते हैं तो मम्मा ये सब नहीं दिखाएंगे, थोड़ा बहुत मैं खुद कवर कर लूंगा। तो वो हाइन ने ब्लॉग क्या बनाया है वो आप लोग खुद देखें। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ब्लॉग। खाल उतार रहा हूँ इसकी ना बकरे की, इसका मुंह कुटने निकालने वाला हमें, इसका मुंह नहीं निकालने वाला हमें, चेहरे की नहीं बना रहा हमें, बंगला बनाओ, बंगला क्या कर रहे हो, चोरी चोरी की बाल होते हैं उसके वो दगाने, बकरी ये मेरा है। क्या हो गया भाई, आप क्या हो रहे हैं इनकी? नहीं दिखाना, कोई भी नहीं दिखाता। ओके चलो हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। बस ये थोड़ा सा ये दिखा देते, और एक और हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, इतना सा दिखा दिया। मुर्गी भी कट कर दिया आपने अपनी? मेरा बकरा है। ये आपका है? आपने नाश्ता क्यों नहीं किया हुआ था? क्यों क्या हाई ने कहा जब तक मेरी गॉड कटेगी नहीं सब कुछ ठीक नहीं होगा, मैं नाश्ता नहीं करूँगा। और एक से दो घंटे बाद हाइन इतनी सारी भूख लगी कि हाइन जो है इतने सारे ओरियो अपने लिए लेकर आ गए कि सारे एक साथ ही खा लूंगा, है ना। तो गाइस बकरे वगैरह जो है कट गए और बढ़ गए हैं, और हमारा सारा टेरेस वगैरह भी साफ हो गया, और अभी जो है पापा मम्मी लोगों के घर ईद के जाने की तैयारी करनी है। भाई दावत शावत तो आप लोगों को पता है, हमेशा से जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं कि पहली दावत कोई भी ईद हो कोई भी ओकेजन हो पापा लोग के घर होती है। तो बस अभी चलते हैं और रेडी होते हैं। गर्मी से जो है ना हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है, तो बाल मैंने अभी अपने ब्लॉग में जब मैं वीडियो चेक कर रही थी मैं देखी थी मेरे बालों के साथ हुआ क्या। चले खैर अभी हम जाते हैं और रेडी होते हैं, फिर आप लोगों से मिलता है। हाइम भैया क्यों नहीं आए, क्या हो गया भाई? मैंने तो दोनों को बुलाया था, आप अकेली क्यों आ गई? भैया किधर है? पहले आपको रेडी करूँ? चलो जी मम्मा, जूते आपके यहाँ पड़े, अभी हम आपको रेडी करते हैं। ओके
ऋषभ रेडी हो गई माँ? मेकअप कहाँ किए माँ? आप तो वैसी ब्यूटीफुल है माँ। वाओ भाई प्रिशी की शूज, वाओ भाई प्रिशी पूरी मैच मैच रेड पहने आपने पूरा आज तो। पापा आज इतना अच्छी तो मैं तैयार हो रही हूँ, अब मैं नाना के घर जाएंगे इसलिए मैं तैयार के बैठी हूँ। ओके मेरी माँ। हैंडसम बहुत तंग कर करके रेडी हुए हैं, इनको मैंने कहा था कि जाके मुंह धो लो और ये साहब जी पूरा नहा कर आ गए। अब स्पाइक्स कैसे बनेंगे आपके बालों में ये बताओ? बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? ओयो ओयो ओयो, चलो जूते पहनो आगे। तो भाई ये वाले सैंडल किसके हैं? मेरे यार, ये तो मेरे थे। अरे मेरे। ओके जी, तो आपकी बहन भी रेडी हो गई है और नीचे चल के तासुरात देखते हैं भाई सब कितना कितना कहाँ तक रेडी हुए थे। अमीरों कहाँ चले गए? अम्मी लग गए अम्मी के घर। अरे अम्मी लोग पहले ही चले गए सबसे। हाँ। तो मतलब हम और आप रह गए इस वक्त। हाँ। कूतरे लाल गाड़ी निकाल रहे जब तक आप और मैं तब तक। ये अनस लोग भी जा रहे हैं ना साथ ही? हाँ। मुझे तो लगा सब हैं पर अम्मी लोग जा चुके हैं पहले से ही क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं। देखे 10:30 का टाइम हो रहा है इस वक्त और मुझे आइडिया नहीं था कि अम्मी लोग जा चुके होंगे, पर अम्मी के कपड़े तो यहाँ लटके हुए कैसे थे अम्मी समझ नहीं आ रहा। खैर निकलते, चलो अम्मा जी बैठो जल्दी जल्दी, दरवाजा पकड़ती हूँ। कहाँ है जाबू? जाबू अब मुझसे मिले भी नहीं, चले भी गए। मुझसे मिलेगा कौन? मुझसे मिलेगा कौन? अस्सलाम वालेकुम। मुबारक है, मुबारक। हेलो एवरीवन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। वालेकुम अस्सलाम। सबसे मेल मिलाप हो गए, मैंने कहा हम पहले पिक्चर्स ले लेते हैं यार। ईद में भी ईदी बकरा ईद की नहीं होती। बात सुनो जावी, ईदी किस बात की मांग रहे हो सबसे? हेलो, इस ईद में गोश्त देते दिया था ना, चेक किया आपने? गोश्त आया? गोश्त आया? क्या चीज? क्या 5,000 कहाँ रखे? मोबाइल कवर में रखे साले, तू मेरे पैसों पर नजर रखता है? आपके किचन में क्या क्या बनाया है ईद के लिए? बिरयानी बनाई है जो मैंने बोली। पहले तो सबको ईद मुबारक, सब बच्चों को ईद मुबारक। मेरे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो ये जी क्या है? क्या है? कुल जा सिम सिम। ओहो, ये तो मैं खाऊंगी नहीं, मैंने बिरयानी बोली थी। बिरयानी का देखो उसका पत्थर सब। अच्छा बिरयानी है, ओके वही वाली ना जो मैंने बोली थी जी। ओके मगर दम अट जाएगा, पर कोई बात ही हम खाएंगे तो ना, मसला नहीं, खराब हो जाएगा। जबरदस्त भाई, पराठे भी आ गए, सब आ गए, मतलब दस्तर लगने वाले हैं अभी। ओके वाह पापा, आपने बनाया? पापा ने बनाया है? मम्मी सही बता, सेटिंग पापा ने कर, सेटिंग करना भी बड़ी बात होती है, ऐसी कोई बात नहीं होती। यहाँ तो लापाती मेहनत कर रहे ना हम, ये देख रहे असल काम वैसे ये है मम्मी, ये जो बना है इसमें इतनी जो कटाई पटाई होगी ना वो मेहनत में, असल काम ये जो पापा कर रहे हैं, समझ आई? एक थाल और चाहिए, एक थाल और चाहिए। ओके जी, मेरी बहन से बात करें। चलो भाई खाना शाना लग रहा है। मियाँ जी यहाँ शेजी बहन से बात कर रहे हैं, सब जगह वीडियो कॉल से। मम्मी को गिरा रही हो? ये एक तरफ जो है ना दोनों बहन भाइयों पे जुल्म हो रहा है, एक तरफ बहन ने नाना पे प्रेशर डाला हुआ है, परीक्षा ने अम्मी पे प्रेशर डाला हुआ है, नाना की जो है ना फन फाइटिंग हो रही है। ओए ओए ओए, आई एम चैलेंज है आपको नाना को गिराना है बैट से, कम ऑन, देखते कौन जीतता है। हाय मियां नाना, हाय देखते कौन जीतता है। हाय मियां नाना, हाय 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 हाय, बैठे हुए अंदर बैठ गए, भूल गई थी मैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू, मैं भूल गई थी, मैं अपना खाना पार्सल करके ले जा रही हूँ, ये याद था और कपड़े भूल गई। अल्लाह हाफिज। यार ये स्मेल कहाँ से आ रही है? काऊ की कहाँ से आ गई है? अरे हाय पूरे इलाके में बदबू हुई है यार। गाइस आई एम बैक, और आप देख सकते हैं कि मैं कितना सारा बम फाड़ के गई थी, यहाँ 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 हर जगह,
तो अब ये मुझे आकर समेटना भी है और सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे इस चीज में होती है। बंदा जाए तो समेट के जाए, पर बच्चों के साथ इतनी जल्दी में तैयारी होती है ना कि वो देखो शॉपर कहाँ पड़ी हुई बेचारी, वो तकिए के ऊपर पड़ी हुई। तो ये कुछ हाल है। तो अभी जो है अपना व्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि आपकी बहन का तकरीबन एक घंटा लग जाएगा इन सब चीज़ों को समेटने में, क्योंकि समेटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस अपना व्लॉग हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना आप लोगों ने बहुत 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 सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।